शौर्य के लिए तोड़ना नहीं है। काफी लोग कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज हमें बताएं कि शौर्य को आप क्या खिलाते हैं या हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएं। अबे तू मेरी टीम में किसकी टीम में है? मैंने अपने हाथ नीचे ही कर लिए वरना कमेंट्स ही में थे। सोनिया अपने हाथों पे काबू रखो, तो देखो मैं नीचे ही कर लिए। और ये आज सुबह सुबह यहाँ पे क्या हो रहा है, सुबह सुबह शौर्य का फाइनली हमारा स्टेयर्स का शौर्य के लिए गेट तोड़ना नहीं है। तो ये गेट लगाया है क्योंकि शौर्य काफी नहीं, नहीं, हो गया है और इंडिया से क्योंकि ग्रिल के साथ पकड़ के खड़ा होके उतरता था इसको, यहाँ पे भी खड़ा होके उतरना होता है। वैसे उतरना आता है इसको बैठ के, लेकिन क्योंकि खड़े होके कोशिश करता है उसमें अब हमें डर लगता है कि अब तोड़ कैसे रहा है अपना, इसको अच्छा नहीं लग रहा। इसे है पूरा ऐसे बीच के जाड़ को और फिर वो लगा हुआ है कि आपकी सेफ्टी के लिए ही है बेटा, आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हो। अब आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है हमारे इस गेट से, तो आज शौर्य के लिए लगा दी क्योंकि अब शौर्य ना बहुत भागता है इधर से उधर, तो इधर भी भागता है उधर भी भागता है, तो सेफ्टी अब जा। ओए ओए भाई ऐसे करेगा ना, अगर डेली 10 बार भी ऐसे करेगा तो मुझे लगता है थोड़ी देर में एक एक नट ही लगाया नहीं है। इसलिए लगाया कि खड़े होके कोशिश करता है उतरने की, बैठ के करे दो तरह से उतरना आता है इसको, या तो सीधा बैठ के स्टेप बाय स्टेप उतर जाए या फिर उल्टा होके फिर हमने इसको उतरना सिखाया था, वो दोनों तरीके आते हैं इसको। लेकिन अब हीरो बड़ा हो गया तो इसको वैसे भी उतरना, अब इसको ये हो रहा है कि क्यों लगा दिया। और रात को हमें याद रहेगा नी कि यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है और मैं ही गिरूंगी इसमें सबसे पहले, मैं ही सबसे पहले गिरूंगी रात को। तो हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग, और अभी यशिका सुबह स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ शौर्य की पूरी मस्ती चलने में लगी हुई है। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि भाई सोनिया बनाने लगी है कुछ कॉफी, क्योंकि चाय वगैरह हमने छोड़ दी है तो कॉफी बना रही है, और मैं अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा बिजी करके क्योंकि आज इसकी नर्सरी नहीं है, तो फिर इसके बाद इसके साथ थोड़ी टास्क अभी कुछ इसको इस तरह का थोड़ा बिजी सा हो जाइए, उसके बाद थोड़ा थक जाएगा तब ये शांत बैठ के अपने खिलौने के साथ खेल लेगा। मैं अपने ऑफिस के लोगों से करता हूँ, और गार्डन में भी आए थे हम यहाँ पे, आप थोड़ा सा है ना थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, तो ये जो एरिया है ना कंजर्वेटरी ये फिर दोबारा से मतलब यहाँ पे आने का दिल करने लग गया। हमारा ये स्नैक टाइम हो रहा है, तो स्नैक टाइम में क्या कर रहा है, हमने ये काटे थे इसमें क्या बोलते हैं सेब, और यहाँ पीनट बटर है, तो ये लड़का देखो सेब की वाली निखा रहा बिना पीनट बटर के। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, तो ये बोल रहा है खा ले। हाँ, तू अपना खा, ए कह रहा है मेरे को ये भी दो, ये भी लगा के खाएगा पीनट बटर के। अबे ये पीनट बटर के साथ नहीं खाते, पीनट बटर के साथ एप्पल खाते हैं। शौर्य अब तू गिराइयो मत, पीनट बटर लगा लगा के खा रहा है, अच्छा लग रहा है। काफी लोग कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज हमें बताएं कि शौर्य को आप क्या खिलाते हैं या हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, तो मुझे कई बार ना फिर ये फील होता है कि आई रियली कांट हेल्प कि बच्चे कैसे नहीं खाते और फिर उनको कैसे खिलाया जाए। समहाउ आई बीन लकी विद बोथ ऑफ टच वुड, करते टच वुड, आई बीन लकी विद बोथ माय किड्स। ये आपके सामने है देख लो, और वो सत्र भाई पीनट बटर लगा लगा खा रहा है, रोटी कैसे खाता है बिना सब्जी लगाए नहीं खाता। हाँ, रोटी अगर दे दोगे तो ये सब्जी ढूंढता है कि सब्जी दो फिर उसमें ऐसे टच करके फिर खाऊंगा। नैचोस दे दो तो नैचोस को वो डिप चाहिए होती है, उसमें लगा के खाएगा। ऐसे वो यशिका ब्रेड स्टिक्स लेके आती है कई बार हमस के साथ खाती है, तो ब्रेड स्टिक्स अकेली नहीं खाऊंगा, हमस दो हमस में ऐसे डिप करके खाऊंगा। नहीं अच्छा लगा, हमने पहले बताया था सिर्फ एप्पल के साथ अच्छा लगता है, एप्पल के साथ फिर भी खा रहा है, उसके बाद नहीं अच्छा लगा उसे, दे दे फिर मैं खा लूंगा। ये भाई हमारी बुक है, जो अगर एक बहुत अच्छी बुक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखो बस ये कहेंगे कि लोग भैया पतंजलि का प्रमोशन, पतंजलि की बात नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं इस चीज का, मैं सिर्फ इसमें वो दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या है, ऐसे ये जितने भी हाथों में ये, हाँ ओम किस तरह से करो या फिर फिंगर्स कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्लस इसमें ये देखो वात पित्त कफ कौन सा फूड क्या है, तो इसमें पूरा डिटेल में इसे समझाया हुआ है, वो बहुत सही है क्योंकि हर किसी की है ना प्रकृति अलग होती है, किसी की वात होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की कफ होती है, कौन सा फूड खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए। और बाकी इसमें बता रखा है कि आपके पैरों में और हाथों में जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ क्या होते हैं, तो ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बुक तो ये है, बाकी एक ये फास्ट के ऊपर है, अगर कोई फास्टिंग वगैरह करता है तो। ये अभी रिसेंटली इंडिया से लेके आए थे हम, वो अभी पढ़नी शुरू करनी है। तो अभी शौर्य सोने में लगा हुआ है, दोपहर का टाइम आ चुका है, अभी सुलाया मैंने उसको, जस्ट मैं सुला के आया हूँ। और आज ना हमारा ऑफिस का बहुत ज़्यादा बिजी है। कई बार ना जब ऐसा होता है ना कि भाई आपका ऑफिस भी बहुत बिजी होता है और शौर्य भी घर पे होता है, जिस दिन नर्सिंग नहीं जाता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि सोनिया का तो आजकल बिजी चल ही रहा है, क्योंकि सोनिया के साथ क्या हुआ है उसी से बात करेंगे। सोनिया के एक कुलीग है, उसके साथ थोड़ी सी मिसहैपनिंग वगैरह कुछ हो गई थी, तो उसका जो काम था वो भी, क्योंकि सोनिया जिस टीम को लीड करती है उस टीम का और दूसरी टीम का तो काफ़ी काम प्रेशर आ रखा है, तो वो तो बिजी है ही। तो साथ में अब मेरा भी थोड़ा आज काफ़ी बिजी था, कुछ कॉल्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही थी तो। बट इट्स ओके, कोई नहीं, ऐसा होते ही रहता है, अप एंड डाउन ऐसे चलता रहता है। और ये देखो ये कपड़े यार, इसकी डांट पड़ेगी मुझे। ये वो कपड़े यहाँ क्यों हैं मेरे को, कई बार जब शाम के टाइम, जब रात के टाइम वीडियो वगैरह शूट वगैरह करता हूँ ना स्टूडेंट हेल्प चैनल से रिलेटेड, तो ये कपड़े यहीं छोड़ देता हूँ मैं, सोचता हूँ क्योंकि बाद में रखूँगा इनको, तो भूल गया था। जो मैं एक बुक पढ़ने में लगा हूँ ना, इसकी एमिली फ्लेचर की ये बुक है, बहुत ही सही है भाई, स्ट्रेस लेस एकम्प्लिश मोर। मतलब इसमें मेडिटेशन की जो मतलब बेनिफिट्स है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया हुआ है। बट बात यह है कि जनरली है ना मैं बुक वगैरह इतनी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये वाली बुक जो है, ओहो, मुझे कल मैंने रात के काफ़ी लेट तक पढ़ता रहा मैं, और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार मुझे बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि शायद इस तरह की जो नॉलेज होती है ना, या तो मेडिटेशन से रिलेटेड हो गई या योगा से रिलेटेड हो गई, या फिर कोई नॉलेज होती है कि भाई ऑटोबायोग्राफी वगैरह इस तरह की होती है, वो चीज़ मुझे पढ़ने में, फिक्शन वगैरह पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, सही हो गया। लेकिन कई बार है ना, अभी मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शौर्य वहाँ सोने में लगा हुआ है। इसलिए पहनेंगे क्योंकि ठंड फिर भी अंदर फील होती है। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो है मोटिव ये होता है कि भाई हीटिंग जो है ना वो कंपेयर करें। सोनिया का होता है 20-21 डिग्री टेम्परेचर घर का होना चाहिए, मेरा होता है 15-16 डिग्री पे रखते हैं, तो उससे क्या है थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता है। तो आप चाहे कपड़े मोटे पहन लो, लेकिन कभी जब जैसे मुझे मौका मिलता है मैं कम कर देता हूँ, लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है वो बढ़ा देते हैं उसको। इतना टाइम भी नहीं है कि इतना आराम से बैठ के खा लें तसल्ली से, खुद बना के मेरा ऊपर रखाई मेरे ऑफिस में। मैंने कहा भाई मैं नीचे आके खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं खा रहा ऑफिस में बैठे बैठे, चेयर पे बैठे मेरे से खाई नहीं जाता कभी ऑफिस में। मैंने कई बार जब हम जाते थे तो बहुत सारे जो कुलीग वगैरह के आए हैं अपने चेयर पे ले आते हैं वो खाना वाना, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं खाया जाता, मैं खा ही नहीं सकता ऐसे चेयर पे, मुझे लगता है कि यार जो हाथ में कुछ फंस जाएगा वो कीबोर्ड पे लगेगा, कीपैड पे लगेगा, सारा गंद वहीं पे, वाइप्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं सर। नहीं तो आज इसने खुद ने अपनी छोटी सी कटोरी ली दही की, और मेरा देखना पूरा बाउल इसमें आधा किलो से फालतू दही आता है तेरे को पता है, और फिर एक बाउल यहाँ पे इसमें क्या है, सांबर है, उसमें बनाया क्या नई वाली चीज में, ओ वाह, और इसमें यहाँ पाव है भाई, तो ये करते हैं एंजॉय। हो चुका है शाम का टाइम, शाम का टाइम नहीं, ये शिकायत स्कूल से लाने का टाइम, और ये बंदा देखो आगे भाग रहा है, गाड़ी लेके नहीं जा रहे यार, पैदल चलेंगे। शौर्य अब जा रहे हैं ये शिकायत स्कूल से लेने के लिए, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, उसकी मम्मी उसको कुछ जैकेट वगैरह लाके देगी, लेकिन वो बंदा रुका नहीं, जैसे मैंने गेट खोला वैसे ही बाहर आ गया। कुछ पौधों में तो हमारे फूल हैं अभी भी, ठंड के हैं फिर भी, लेकिन बाकी ये जो हैं जितने, इन सब में अभी समर में धीरे धीरे आने शुरू होंगे। इस बंदे की हरकतें दिखाऊं, ये देखना एक हाथ में कटोरी है और ये ऐसे चलने में लगा हुआ है, नीचे से आया पूरा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ। शौर्य ये तो बहुत रिस्की काम है, तूने कैसे करा भाई ये? सोनिया ये यार बिना सहारे के उसके चढ़ गया, एक हाथ में कटोरी लेके, हाँ हाँ बके रिकॉर्डिंग है मेरे पास, एक हाथ में कटोरी है उसके, हाथ तो रखे ही नहीं उसने दोनों, वैसे चढ़ गया ये। हाँ भाई कहाँ से सीख रहे हो इतना, ये हमें बंद करने के लिए नहीं है ऐसे, ये मम्मी पापा आप नीचे, भाई भाई प्लीज आजाद रहने दे तू। तो मौसम ने लिए करवट, ये शिका को मैं स्कूल से मौसम ने लिए करवट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर अगर ब्लॉक दिख रहा होगा ना, धूप वो कुछ नहीं दिख रही, बादल हो चुके हैं पूरे तगड़े वाले, और ये शिका को मैं स्कूल से पिक करके ले आया था, और ये शिका स्कूल से लाने के बाद सीधा उसको मैं कहाँ पे छोड़ के आ गया, कहाँ पे सोनिया जी, जिमनास्ट सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं डेली वैसे मैं ही करता हूँ, बस भाई आज नहीं तोड़ना, आज क्या छोड़ रहा, देख लो जो लोग इसको कह रहे हो ना शरीफ बच्चा है, ये देखो इसको कौन कह देगा शरीफ बच्चा, ये तोड़ने में लगा हुआ है यार, सुबह से जब से ही हमने लगाया है तब से ये बंदा तोड़ने की कोशिश कर रहा है इसको, कि मैं कैसे ना कैसे पकड़ के इसको तोड़ दूं, इसको ये लग रही है जेल है इसके लिए, इसको शरीफ कोई भी नहीं कहता, कोई नहीं कहता ये शरीफ। ये मुझे मेरे को ये याद है जब ये हो रहा था ना उस टाइम पे मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ रहा था कि भाई आ रहा है हो रहा है हो रहा है, तो हनुमान चालीसा मेरे को याद है कि
देखो उसको ये भी पता है कि ये उस तरफ खुलेगा तो ये अब मैं आ सकता हूँ, कहते बस बहुत हो गया। अभी शाम के टाइम हमारा कंपटीशन होने लगा हुआ है, सोनिया बनी हुई जज। कंपटीशन किस चीज का हो रहा है, मेरा और यशिका का? बताओगे जज? योगा कंपटीशन हो रहा है कि कौन कौन से पोस्चर्स ज्यादा अच्छे से करता है या होल्ड कर पाता है। तो अभी तक 3-1 मतलब 3 से मैं आगे चल रहा हूँ, एक यशिका का पॉइंट है ना, यही कह रहे जा रहे हो ना, खुल के बोलो। यशिका आगे चल रही है, राजीव 1.5 पे। 1.5 मम्मी बोलो। शोरी सिट डाउन। शोरी भी सिट करके दिखाएगा, शोरी बैठ के दिखाओ। शोरी सिट डाउन। जैसे दीदी बैठी है वैसे आप भी बैठ के दिखाओ। नो नहीं, ऐसे बैठ के दिखाओ, ऐसे बैठ के दिखाओ। ये आपको नेक्स्ट कंपटीशन मेरा ये है क्या, ऐसे बैठना है? ये पैर दोनों इस तरफ होने चाहिए, बीच में बैठना है, बीच में बैठना। गाइज आप लोग भी बैठ के बताना कमेंट करके नीचे कि कौन कौन बैठ सकता है ऐसे। शोरी तू बैठ सकता है? बैठ के दिखाओ ऐसे। पहले शोरी दिखाएगा, शोरी दिखा। हाँ बैठ गया शोरी, शोरी बैठ गया। शोरी कितनी जल्दी बैठ गया, देखना दोनों पैर बाहर निकले हुए। हाँ और ये सोनिया बैठ गई यहाँ पे, हमारा कंपटीशन हो रहा है और अब मेरे को बैठना है, बस बैठ गया। आप ऐसे बैठ रहे हो? बैठ गया बेटा, पैर बाहर तो निकालो यार, पागल हो गए? पैर के ऊपर नहीं बैठा हुआ ना, पैर साइड है बस। ऐसे बैठ रखे हो ये शिका, ऐसे इनके ऊपर नहीं बैठा हुआ मैं, ऊपर पैर बाहर निकालो ना, आराम से नीचे बम्स को नीचे रखो यार, तुम ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा नहीं कर रहे, ऐसे तो मेरा पैर टूट जाए। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीचे पैर तो रखो। नहीं नहीं, मैं इतना, मैं देखो ये बैठा हूँ, ये लो। नहीं आप तो चीटिंग कर रहे हो यार, पीछे जाके देखो कैसे आप बातें कर रहे हो यार, ये लो पीछे से डिसाइड करेगी मैं चीटिंग कर रहा हूँ क्या, ये देखो। नहीं ठीक बैठा हूँ, ठीक बैठा हूँ भाई, मैं ठीक बैठा हूँ। सॉरी पिटाई करो, पिटाई करो, सॉरी मार, बाल खींच के मेरे हाथ पकड़े। शाम को इनका डेली का ऐसे होता है, सॉरी बाल खींच के पिन डाउन कर लेते हैं यशिका को, और फिर देखो शोर्य को सिखा रहे अपने आप कर। अबे तू मेरी टीम में, किसकी टीम में है? स्टॉप, स्टॉप, मुझे बोला स्टॉप, कितना क्यूटली बोला, और प्यार कर रहा है दीदी को, खेल रहा है और मुझे बोला स्टॉप, तो स्टॉप कर। ओ माय गॉड, कितने ओए दीदी को प्यार कर रहे हैं भाई, किसी कर दो दीदी का, दीदी का किसी कर दो, एक यहाँ भी कर दो, अब यहाँ ऐसे कर दो। वो तो मैं बिना बोले कर दूंगा। तो ये हमारा शाम का टाइम होता है जहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम चारों जने, मतलब आपसी में साथ में होते हैं, चाहे आधा घंटा मिले चाहे एक घंटा मिले, लेकिन डेली का हम कोशिश करते हैं कि ऐसे स्पेंड करने का साथ में, जिससे कि हमारा प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। लेकिन डेली नहीं होता ये आधा एक घंटा, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी टाइम मिले, क्योंकि उसकी क्लासेस से, यशिका की क्लासेस से जब भी फुर्सत मिलती है हम करते हैं। पहले ये था कि हम बाहर चले जाते थे पार्क वगैरह में, लेकिन क्योंकि बाहर अंधेरा जल्दी होता है तो इसलिए बाहर नहीं जा पाते। और जो पीछे आप वो देख रहे हो, मैंने बिल्कुल क्लीन किया था वीकेंड पे, सब कुछ हटा दिया था, टाइडी अप था बिल्कुल वो एरिया, उसमें कुछ भी नहीं था। वो कैमरे वाला जो यूनिट रखा हुआ है पीछे, और वो आपने देखे ही होंगे पिछली वीडियो में, राजीव जब लाइट्स वगैरह कुछ फिक्स कर रहे थे तो बाहर रखे हुए थे, वहां से उठा के अब यहाँ रख दिया। सर वो कहाँ जाएंगे अपनी जगह पे वापस? अरे वो रखूंगा ना, मेरे को कुछ यूज करने के, यूज करने के बाद वापस रखता हूं। तो फिर ये ना ऐसे मैसी लगता है, और फिर कमेंट्स आते हैं कि सोनिया घर का ध्यान नहीं रखती, देखो हमेशा मैसी रखती है अपने घर को। क्यों सोचते हो, दूसरे कमेंट जो करें करते रहेंगे भाई, घर आपका है, आपको रहना है, आपको पसंद होना चाहिए, मुझे पसंद है, अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपको भी अच्छा लगाओ कि आपके पति को, बच्चों को अच्छा लग रहा है। वो देखो पीछे कैसे बिखरा हुआ है, ये देखो। और ये भी कमेंट आया था कि आपने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट नहीं किया हुआ, तो ये बात हमने पहले भी बताई हुई है कि हमें इस घर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और आते ही आई वॉज एक्सपेक्टिंग विद शोरी, फिर शोरी भी छोटा था तो इतना नहीं कर पाए। और एक चीज जो लोगों को देखने में वो लगता होगा शायद कि यहाँ पे बेड क्यों है, सो ये बेड यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स आते जाते रहते हैं, उन्हें यहाँ पे एक बेड चाहिए, तो ये बेड तो यहीं रहेगा, चाहिए लिविंग रूम हमारा लगे या ना लगे। वो लोग ये बोलते हैं कि लिविंग रूम में तो सोफा और ये सब होना चाहिए, बेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो यार, ये बेड तो रहेगा हमारा तो हमेशा ही। भाई क्या हो रहा है भाई? और ये जो आप पीछे सब कुछ देख रहे हो, ये कुछ सालों की मस्ती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे है, दैट मीन्स आवर किड्स हैव प्लेड वेल। कौन हारा, कौन जीता? पापा भी बीच में, मतलब राजीव भी अपना ये खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीच में एक्सरसाइज करते रहते हैं। शौर्य को देख, घूमना है शौर्य को, तो ऐसे चाहिए होता है कि भाई मुझे बाहर ले जा, देख देख खुश हो गया।
इसका नहीं लगता भाई घर में दिल, इसको नर्सरी से भी आके चाहे कहीं पे भी बस आके मुझे ऐसे घुमा दो आप, एक्सप्लोर करना है ना इस उम्र में। इस उम्र में मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऐसे मॉल वगैरह में लेके जाते थे, हम ऐसे ही घूमते रहते थे मॉल्स वगैरह में, है ना। नहीं हम तो ऐसे झज्जू में हमारे मॉल्स हैं, आपको पता नहीं दादरी मॉल्स है, देखे नहीं है क्या आपने, सांगवान मॉल्स है। तो हम आए अभी यहाँ पे, शॉप का नाम है नेक्स्ट, जो इंडिया में भी इनके स्टोर्स हैं। इंडिया में कभी गई है तू नेक्स्ट में? इंडिया में कैसे हैं इनके स्टोर, देखे नहीं है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लेडीज वाले डिपार्टमेंट में आना है क्या, बस हमें बस यहीं तक का काम है क्या? कपड़े देख लो कपड़े, मेरे को पहले लगता था ये कपड़े कौन खरीदता होगा ऐसे इतने। इस तरफ ये बच्चों का सेक्शन है, ओए होए बच्चों के कपड़े देखना वाइट क्यों है इतने, वाइट तो गंदे कर देंगे बच्चे। ये बॉयज वाला सेक्शन उधर है, आजा स्टाइलिश सेक्शन इधर है, शोरी आजा। जूते इस तरफ, इस तरफ ये कपड़े हैं। भाई किसी को आइडिया वगैरह कुछ अच्छा लग रहा हो प्लीज हमारी वीडियो से ले लेना। ये कोट ऐसा पहनना था इसे शादी में, दीपक की शादी में ऐसा था इसका, मेरे साथ जैसा मेरा कोट था ना सेम वैसा ही इसका था, लेकिन वही है ना बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाता है, इस चक्कर में नहीं पहनाया हमने, क्योंकि इसको हमने फिर उसमें रखा नाइट सूट में। नाइट सूट क्या मतलब, पूरा वो था ट्रैक सूट वगैरह था उसमें था, अच्छा लग रहा था वो भी, आप लोगों ने बाकी देखा ही था। बाकी अभी हम यहाँ पे घूमने में लगे हुए हैं, देखने में लगे हुए हैं, और शोर रहे, और ये शिका मेरे साथ हैं, सोनिया यहाँ पे क्या डिलीवरी करेक्ट करने के लिए आई है, वो डिलीवरी लेने में लगी है तो वहाँ है। बाकी यार हम देखो विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में हम बाहर घूमने में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं विंटर्स में कोशिश करते हैं किसी स्टोर वगैरह में घूम लें, अगर हम बाहर पार्क वगैरह में तो वैसे घूमते हैं। अभी इस बार हम कम गए हैं वापस आने के बाद, लेकिन गए हैं फिर भी हमें जब भी मौका मिलता है, लेकिन हम पार्क वगैरह में नहीं जा पाते, तो हम किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं या फिर सुपर मार्केट वगैरह में चले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका टाइम पूरा पास हो जाता है, बच्चे घूम लेते हैं इधर से उधर, प्लस आपकी शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है और वॉक वगैरह भी होती है बाहर अगर ज़्यादा ठंड होती है तो। शोरे ने शॉपिंग करी अपनी, बाय शोरे, क्या लिया तूने दिखा दे, शोरे पकड़ेगा भाई, नहीं शोरे अपने शूज पकड़ेगा वैलीज लेके। तो इस स्टोर में घुस के दो बंदों ने चीज ली है, एक माँ ने और एक बेटे ने, वो बेटा अपनी वैलीज हटना है इसका दिखाना, वो वैलीज नहीं छोड़ रहा है, वैलीज लेके भागने में लगा हुआ है ठीक है, और यहाँ सोनिया ने लिया है। तो अभी अभी ये लेके जा रहे हैं मुझे जेडी में, यहाँ पे मुझे नए जूते दिलाएंगे, मेरे जूते अप्रूवल हुए हैं नाइकी शोरूम से। नहीं बेटा मजाक कर रहा हूँ, नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए, अच्छा इसके लेने, ओ भाई सॉरी क्या दवा सवाल आ रखा है तूने, कितनी चीज़ें लेगा। अब मैं आप लोगों को जूते और दिखा देता हूँ, ये है जूतों की दुकान जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, नाइकी भी है, एडिडास भी है, न्यू बैलेंस भी है, सारे हैं, लैकोस्टे भी है। इस तरफ ये लगा रखे हैं ऑफर में, जो भी किसी पे थोड़े बहुत ऑफर होते हैं, इस तरफ भी ऑफर में लगा रखे हैं, यशिका ऑफर में है 95 वाले 75 में, लैकोस्टे के हैं, इस तरफ नाइकी के हैं ठीक है। यशिका आपको क्या चाहिए, कुछ लेना है क्या? भाई ये क्रॉक्स भी यहाँ पे 40 पाउंड की, शोरे क्या चाहिए हैं, जूते चाहिए, ये तो मैं तेरे नहीं आएंगे बता रहा है, ये चाहिए मुझे। उसको वहां शीशा दिखा, उस पे लग गया, कमन शोर है। सोनिया ये वाले जूते आपने देखे? नहीं हमने जो शोरी के लिए पसंद किए, हमने सिंपल से ब्लैक शूज पसंद किए थे, ऐसे वाले सिंपल से, क्योंकि ये मतलब बच्चों में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं तो, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव देख के क्या था राजीव, कहते ये क्यों लिए ब्लैक, अच्छा फिर ये ले लो 60 पाउंड के। फिर मैंने कहा 60 पाउंड के, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने प्राइस देखा इसका तो मैं शॉक्ड हो गया भाई। ये तब लेने का फायदा है जब बच्चे का पैर थोड़ा तो स्टेबल हो, और तब भी फायदा है जब आपके पास बहुत सारे पैसे उड़ाने के लिए। अच्छा इनफ है भाई, ले सकता हूँ मैं कोई भी शूज यहाँ पे, जस्ट नेम इट, शोरे ट्राई कर लो। अब शोरे अपने जूतों को ट्राई कर रहा है, ये वैलीज तो इतनी खुशी खुशी पहनी थी इसने, छोटे मत ले लियो भाई, बड़े ले लियो, चाहे बड़े ही बोल रहे थे, फिर छोटे लेके आइयो। नहीं वैलीज भी बड़े, इतना बड़ा थोड़ी है इसका पैर, देखना यार इतने बड़े तो होने चाहिए। और ये शिका ने पे कर दिए, अब शोर रहे और मैं चल रहे, बाकी सोनिया और ये शिका वो आगे चले गए। अब शोर रहे को मैंने ट्रॉली में बिठा दिया, लेटा दिया, बिठा के दिया, सॉरी मजा आ रहा है, शोर काबू में नहीं आ रहा था। तो इससे जो
सही। अरे इनकी भी ट्रॉली थी ना, ये कह देंगे हमारी ट्रॉली यूज करो, तुम बाहर की ट्रॉली क्यों लेके आयो। लेकिन फिर हमने ढूंढ लिया ये, अब यहाँ पे घूमो आराम से, देखो जो देखना है। क्यों छोरी तू भी लेटा रहे आराम से, ज्यादा हीरो बन रहा था, भाग रहा था इधर से उधर। बात सोल्ट, बस हमें पता है हम भी दबा लेंगे। कह रहे दबाओ वहां से। वो ये कह रही नहाने का नमक चाहिए हमें, खाने का तो सुना था मैंने, नहाने का भी नमक होता है क्या? आप लोगों के यार, आपके और इसके मेरे फंड है। हमारा ही फंड है क्या? हाँ भाई, तो बात सॉल्ट होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बात सॉल्ट क्या होता है। रॉक बात सॉल्ट हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन नहीं पिंक है, पानी भी नहीं देना पड़ेगा आपको। हाँ ये सही है, ऐसे लगेगी अच्छे फूल। नहीं यार मेरे ऑफिस में ओरिजिनल है सब कुछ। और अब हम आए हैं एक स्टोर का नाम है टीके मैक्स, वहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, मतलब जितने भी ब्रांडेड चीजें होती है ना वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही होती है, ये कह सकते हो डिस्काउंटेड स्टोर है ब्रांडेड चीजों का। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को खाने पीने की चीजें। क्या बात कर रहे हो, लिखा हुआ है इसमें चाइनीज न्यू फ्लेवर, किटकैट चाइना की है बेटे, चाइना से इम्पोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं। अच्छा ये चाइनीज प्रोडक्ट है इस तरफ, ठीक है ये तो चाइनीज हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो ये खाने पीने, अरे जो जैपनीज ड्रिंक, हाँ ये देखो ये सारी मैंगो यूजू ऑर्गेनिक वाइट टी, ठीक है यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह है सब है, मतलब ये अलग अलग जगह से कुछ ये मुझे लगता है बल्क में खरीदते होंगे और यहाँ पे अपने स्टोर में ला के बेच देते हैं एक जगह। ग्रीन सॉल्ट अब है कितने का ये बताओ ना, 2.5 pounds का है इतना सा, मतलब 250 rupees का। पिंक हिमालयन सॉल्ट ये है 4 pounds का। ये कुछ प्याज वगैरह, ओहो ये तो सही कर रखा है, ये अचार बढ़िया बन रखा है। कॉकटेल स्पाइसी कॉकटेल स्टिक्स हैं इसके अंदर, ये होम स्टाइल बीट रूट्स हैं इसमें, और सारा ये क्या है अचार है क्या, ये फ्राइड एनोकोती मशरूम है, ये फ्राइड मशरूम्स इसके अंदर। और फाइनली इसको कुछ खाने का दिया हमने, तो एक ये लिए सीजमिक कोकोआ, बड़ी अच्छी लगी यार, 249 की है, 4 इसमें लेकिन सही टेस्ट था। और एक लिया ये हिमालयन पिंक सॉल्ट, नहाने के लिए नहीं है भाई ये खाने के लिए है, कभी तुम इसे बात में डाल के नहा ले इसमें। यशिका नीचे है बात सॉल्ट, हाँ ये बात का नहीं है ये खाने का है। कोशिश करा करो अगर आप लोगों को खा सको तो ये वाला सॉल्ट खाना चाहिए, वो सोडियम वाला होता है, दूसरा व्हाइट वाला, तेरे को पता है इसमें क्या होता है, सोडियम नहीं होता है। इसमें सोडियम बहुत कम होता है, इसमें बाकी मिनरल्स होते हैं। What do you, how do you know? और अभी घूमते घूमते दोनों बच्चों को मस्ती आई है, तो देखो कहाँ फिट हो रखे हैं। पहले शोरे यहाँ पे ऊपर बैठा था, अब ये देख लो दोनों मस्ती करते हुए चल रहे हैं। शोरे बैठा हुआ था पहले, फिर यशिका ने बोला कि मुझे खुशी होगी जैसे यशिका बैठी ना उसके अंदर, उसको और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो मना कर रही थी, फिर राजीव कहते कोई नहीं बच्चों के यही तो फन होते हैं, बिठा दो कैसे नाच रहा है खड़े होके। अब नहाने के बाद अब दोनों भाई बहन नहाने में लगे हुए हैं। शोरे को बस जल्दी से मैंने उसमें नहला था टब में, लेकिन यशिका बोली नहीं पापा मैं इसको नहलाती हूँ, मैं इस बड़े वाले शावर में। इस वाले बाथरूम में है ना एक ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास एक टब भी है और प्लस स्टैंडिंग शावर भी है इस तरफ, तो ये दोनों जनरली यहाँ पे क्या होता है यूके में, या तो ये टब होता है आपके बाथरूम में या फिर स्टैंडिंग शावर होता है, तो हमारे दोनों क्योंकि बड़ा बाथरूम हो जाता है काफी, इसलिए सही है। तो हमारे इस घर में बाकी और भी बाथरूम है, जैसे ऑन स्वीट है, ऑन स्वीट क्या होती है भाई, इस जो बेडरूम है इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम वो है, और प्लस नीचे भी होता है। यहाँ पे जब पुराने घर लेते हैं ना यहाँ पे, जो बहुत सारे दोस्त वगैरह जब ये क्वेश्चन बहुत होता है कि पुराने घरों में है ना ये चीज़ नहीं मिलती, और पुराने और नए घरों में है ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, अब बताऊंगा मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर आप लोग चाहते हो इंटरेस्टेड हो कि इस तरह की छोटी छोटी शॉर्ट्स में बनाऊँ, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ, यहाँ के होम टूर वगैरह दूँ और बाहर के घर दिखाऊँ या बाहर का एरिया भी दिखाऊँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो गए यूके के बारे में, यूके के बाहर चीजें देखने के लिए या यूके का मार्केट देखने के लिए या फिर होम टूर वगैरह नए नए घर यहाँ पे देखने के लिए, उससे रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताना, एंड डेफिनेटली मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, जाके चेकआउट करता हूँ। शोरे के लिए क्योंकि आवाज आ गई है कि पापा नहा लिया है, तो मैं उसको नहा के तैयार करता हूँ। इतने ये सोनिया नीचे डिनर रेडी कर रही है, लेकिन डिनर क्या जस्सू भी आ गया, तो जस्सू भी नीचे है, तो जस्सू करने में लगा हुआ है। जस्सू ने बोला कि मैं चाउमिन लेकर आता हूँ, तो चाउमिन बना रहे हूँ। ये बच्चे नहा धो के चाचू के पीछे पड़े हुए हैं, ये देख दोनों सेम रंग पहन लिया रेड कलर, और कह रहे हैं चाचू को कि भाई डिनर दो, डिनर डाल के दो। चाचू ने यहाँ पे मस्त वाली चाउमीन बनाई है भाई, चाउमीन एक्सपर्ट हो गया है ये भाई। यहाँ पे सूट रेडी हो चुका, जुराब का है तेरी, जुराब पहन के आ जाओ, देखा कितनी बात मानता है।
देखा ना उसको बोला मैंने जुराब पहन गया जा, तो जुराब पहनने गया, देख लिया है अपनी जुराब पे, सुनियो मैंने कहा जुराब पहन गया अपने जुराब लिया है उठा के, गंदी गंदी गंदी, वाह गुड बॉय, पहना दू पैर में, ओके चलो पहनाते हैं। अब हो चुका है इसका सोने का टाइम, खाना वाना खा के, खाना खा लिया क्या इसने, खाना खा लिया इसने लड़के ने, और यहाँ पे दूध अब की बोतल अपनी लेके आ चुका है, माल लेके आ चुका है अपना दूध की बोतल, देखिए देखिए फंडी देखिए सोनिया ऐसे गिरेगा एकदम पीछे की तरफ, भाई लग जाएगी, रहन दे यार शोरी बहुत रिस्की है ये जो तू कर रहा है, देखियो देखियो सोनिया देखियो, अबे अभी तो वो खड़ा होके कर रहा था ये, मैंने भाई अपनी चौमिन जो डिलीवर वगैरह है वो कर लिया है, ये पे जस्ट वहाँ पे टीवी देखने में लगा हुआ है, शौर्य को सोनिया ने सुला दिया है, सुलाने के बाद सोनिया शायद यशिका को पढ़ाने में लगी हुई है, चलो चल के देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था यशिका को यहाँ पे सोनिया पढ़ाने में लगी हुई है, तो आज क्या पढ़ाई हो रही है भाई कुछ बताना चाहोगे थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस को, आपकी प्यारी प्यारी ऑडियंस आपसे, तो कल जो मैंने कराया था कल उसको ये कराया था improper fractions to mixed fraction and okay. then mixed fraction to improper fractions live आपकी टीचर कैसी है आपको क्या लगता है आपकी really teacher nice. really nice yeah अरे ऐसे टीचर से कोई प्यार से इतना बात करता है टीचर से तो घबराते हैं या और टीचर आपसे एक क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कैसा है भाई ये क्या चक्कर हुआ यार हार्ड वर्किंग वीडियो का कोई टाइटल बनाता मैं स्टूडेंट आज आज वो ये कि यार वो ये ना कि भाई अब तुम दोनों मुझे इस तरह से बताओ रियली में कि सच में आपका स्टूडेंट बहुत अच्छा है हार्ड वर्किंग है स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है बहुत मतलब मेहनत करते लेकिन एक चीज देखी मैंने एक चीज देखी है कि ये ना बुक देख अपनी किताबें कुतुबें लेके खुद ही ले आती है हार्ड वर्किंग है I've done this. मेरे को ये इसका बहुत अच्छा लगता है ये है ना चीज को सीखने की कोशिश करती है अगर इसको लगता है कि नहीं कर पा रही तो ये कोशिश करती है डांट भी ऐसा नहीं है हमेशा सब चीजें अच्छी भी नहीं होती है डांट भी खाती है कई बार ये होता है कई कंसेप्ट बहुत बार बताने के बाद भी आप 10-15 दिन बाद पूछो साफ होता है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साफ मतलब अता पता ही नहीं होता कि ये क्या था तब डांट भी खाती है ऐसी बात नहीं है काफी लोग ये भी बोलेंगे कि सोनिया को क्या हमेशा ही जुकाम रहता है कि आवाज़ ऐसी आती है तो ऐसा नहीं है मुझे हे फीवर की एलर्जी है और यहाँ आके ज़्यादा हो जाती है इंडिया में देखो 1.5 महीना थी एक छींक तक नहीं आई और ना ही कभी नाक बंद हुई तो इंडिया मूव हो जाएंगे फिर या फिर यहाँ के कारपेट हटवाए कारपेट हटवा लो इंडिया मूव होना तो देखो बोलना तो बहुत आसान है जैसे कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग इंडिया क्यों नहीं मूव हो जाते बोलना बहुत आसान है बट यार इंडिया के ऊपर है ना इंडिया में अपनी ट्रिप थी नहीं इंडिया कर्म भूमि लेकिन इंडिया की जो वीडियोस थी और चीज काफी सारे कमेंट्स थे कुछ शादी को लेके भी वो तो उनके एक वीडियो बनाते हैं ना तो एक आप बनाते हैं अपन इसके बाद मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाते हैं इस वीकेंड में कमिंग वीकेंड में और बैठ के और उसके बारे में बात करते हैं ये भी थे क्वेश्चंस कि अभी आप आके यशिका की पढ़ाई का क्या रूटीन रखा है तो आपने आने के बाद एक हफ्ता कुछ नहीं किया था वी टुक प्रॉपर ब्रेक कि कुछ भी नहीं नाउ वी आर डूइंग लाइक अब थोड़ा हां पढ़ाई लाइक दीस बुक्स इन द मॉर्निंग ओके तो इसके बाद तुम दोनों व्लॉग को एंड करना आता है तुम्हें I hope you had a nice time with us and वैसे तो good night as well तो होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट्स करें और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट टाइम में जवाब दे सकते हैं तो प्लीज वो क्वेश्चंस भी जरूर पूछें देखो मैंने अपने हाथ नीचे ही कर लिए वरना कमेंट्स ही थे सोनिया अपने हाथों पे काबू रखो तो देखो मैं नीचे ही कर लिए सोनिया दिल पे लेते हैं कमेंट्स लाइक शेयर एंड कमेंट